मौनी अमावस्या पर आस्था का सैलाब, महाराजगंज में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई बैकुंठ नदी में आस्था की डुबकी। हरदोई में झुग्गी झोपड़ियों में लगी भीषण आग, कई झुग्गी झोपड़ी जलकर हुई खाक, आग की चपेट में आकर कई जानवरों की मौत। हरदोई के जिला महिला अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा, ऑपरेशन के बाद रुपए मांगने पर हंगामा, जमकर हुई हाथापाई। कानपुर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ में घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की। अमरोहा में सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ी महिला, स्वास्थ्य विभाग शिकायती पत्र का इंतजार करता रहा, महिला ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने महिला के पेट में ऑपरेशन के बाद पट्टी छोड़ दी थी। डॉक्टर और प्रशासन से इलाज की गुहार लगाते रहे परिजन, लेकिन डॉक्टर ने धक्के देकर अस्पताल से भगा दिया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमरोहा के नर्सिंग होम का यह मामला है। खबर हरदोई से है, जहां झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। आग लगने से कई झुग्गी झोपड़ी और गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। आग की चपेट में आकर कई जानवरों की भी मौत की खबर है। घटना हरदोई के पाली कस्बा स्थित पेट्रोल पंप के पीछे की है। राजस्व और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया। खबर हरदोई से है, जहां अस्पताल में काफी बवाल हुआ, ऑपरेशन के बाद रुपए मांगने पर हंगामा हो गया और तीमारदार और स्वास्थ्य कर्मी के बीच जमकर हाथापाई हुई। वहीं मारपीट का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो जिला महिला अस्पताल का है। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि ऑपरेशन के बाद रुपए की डिमांड की गई, इसी बात को लेकर तीमारदार और स्वास्थ्य कर्मी के बीच नोकझोंक, फिर हाथापाई हुई। महिला अस्पताल की सीएमएस ने कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। खबर कानपुर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बता दें, सूचना पर थाना नौबस्ता से वांछित और इनामी अभियुक्त सुधीर तिवारी की गिरफ्तारी के लिए गई टीम पर बदमाश ने फायर किया। जवाब में फायरिंग पुलिस ने भी की और बदमाश घायल हो गया। इलाज के लिए घायल को अस्पताल भेजा गया है। मौके पर डीसीपी साउथ समेत भारी पुलिस बल मौजूद रही। एक इनामिया सुधीर तिवारी करके था, जो मुकदमा अपराध संख्या 757/22 थाना नौबस्ता से वांछित चल रहा था। इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी था। इसके और भी साथी पहले जेल जा चुके हैं। इनके द्वारा एक व्यक्ति का मर्डर और लूट करके जो उसकी बॉडी थी वो बांधा फेंक दी गई थी। आज इसकी सूचना हमें प्राप्त हुई थी, जो हमारे यहाँ के लोकल थाना प्रभारी हैं, तो इसकी घेराबंदी की गई और यहाँ पे एसओजी की टीम और हमारी सारी टीमें आसपास आ गई थी। घेराबंदी के दौरान इसके द्वारा अपने बचाव में या फिर इसने पुलिस के ऊपर फायर किया और इसके साथ इसका पिता भी था। ये लोग जब बाइक से भागने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस से इसका फायर एक्सचेंज हुआ जिसमें इसको गोली लगी है और उसको अभी हम लोगों ने अस्पताल भेज दिया। खबर कानपुर से है, जहां एसआईएस हॉस्पिटल की लापरवाही से युवक की जान चली गई। परिजनों ने हॉस्पिटल के सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, युवक को फीवर और सिरदर्द था। परिजन युवक की मौत का कारण गलत इलाज बता रहे हैं। गौरतलब है कि हॉस्पिटल स्टाफ ने परिजनों को 2 डेथ सर्टिफिकेट भी दिया है। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के एसआईएस हॉस्पिटल का है। हम एसआईएस हॉस्पिटल लेके गए थे। जब गए थे उनको कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ थोड़ा सा सर में उनका दर्द था और चलते फिरते ही वो गए हैं हॉस्पिटल में। फिर उनको सीटी स्कैन के लिए एम्बुलेंस में भेजा गया। एम्बुलेंस में किसी भी फार्मासिस्ट नहीं था, अकेले भेज दिए और एम्बुलेंस में ही उनका तबीयत बिगड़ने लगा। तभी भी ये लोग हम लोग को कुछ नहीं बताया कि उनका कंडीशन क्या है। वो लोग सीटी स्कैन कराए हॉस्पिटल में, बोले कि कुछ नहीं, हम लोग देख रहे हैं। फिर बाद में जब डिस्चार्ज करके हम लोग कार्डियोलॉजी ले गए तो वहाँ पे पता चला कि वो मतलब खत्म हो चुका। यूपी के महाराजगंज के घुगली नगर में बैकुंठ नदी, जिसे छोटी गंडक भी बोला जाता है, जहां सनातन धर्म के सबसे बड़े स्नान महापर्व मौनी अमावस्या पर आज लाखों श्रद्धालुओं ने नदी में आस्था की डुबकी लगाई और परंपरा के अनुरूप स्नान, ध्यान और दान कर पुण्य के भागी बने। इस दिन पवित्र नदी का स्नान, दीपदान, भगवान की पूजा, आरती, हवन और दान का बहुत महत्व है। नगर के बैकुंठ घाट पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही। घाटों पर
भोर से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था और धूप खिल जाने से नहाने को लेकर गांव के लोगों का विशेष उत्साह देखने को मिला। बहुजन अमावस्या यह पर्व माघ मास के अमावस्या के दिन पड़ता है। मौनी अमावस्या का अर्थ यह है कि यह मौन होकर के चुप होकर के देहाती भाषा में कहा जाए तो इसमें स्नान करना चाहिए, इसमें बोलना निषेध है। और यह मौनी अमावस्या का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, आदमी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महोबा में पति पत्नी के विवाद के बाद शिकायत करने पहुंची पत्नी के पीछे थाने पहुंचते ही पति ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जहरीला पदार्थ खाते ही अधेड़ की हालत बिगड़ने लगी। आनंद फानंद में परिजनों ने अधेड़ को जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों ने अधेड़ को मृत घोषित कर दिया। अधेड़ की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामला महोबा जिले के श्रीनगर थाना स्थित गाँव बिल्की का है। बता दे, दिनेश और उसकी पत्नी आशा का आपस में कुछ विवाद था, जिसे लेकर दिनेश की पत्नी आशा थाने शिकायत करने गई थी और उन्होंने जहर खाया है, वहाँ खाया है थाने में, श्रीनगर थाने में। मम्मी पापा की लड़ाई हो गई, सो वो हमारी माँ गई थाने रिपोर्ट करने उनकी, सो वो वहाँ पहुँच गए, उन्होंने खाना जहर। यहाँ का निवासी दिनेश राजपूत शराब पीने का आदी था और अपनी पत्नी और बच्चियों के साथ मारपीट करता था। इसके संबंध में उसकी पत्नी आशा अपनी पुत्री सरस्वती के साथ आज रिपोर्ट लिखाने थाना से लेकर पाई थी। पीछे से इसने कीटनाशक खा लिया, जिस पर इसके परिवारीजन इसको जिला अस्पताल में लाके भर्ती कराया जाए। खबर सहारनपुर से है, जहां मिर्जापुर क्षेत्र में इस्लामिक जगत की बड़ी शख्सियत हजरत मुफ्ती अब्दुल गनी कश्मीर वाले के इंतकाल के बाद नमाज जनाजा में शामिल होने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा, जिसके चलते व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगी पुलिस और पीएसी को भी भारी मशक्कत उठानी पड़ी। करीब 1,00,000 मुसलमानों ने नमाज जनाजा अदा की। बता दें, मजाहिर उलूम के शेखुल हशीद मौलाना आकिल ने हजरत की नमाज जनाजा अदा कराई। बता दें, राजनेता भी जिरायत को पहुंचे, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी दुख व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।